हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? हो पास सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे, मजे में होंगे, मचाते होंगे तो मचाते रहना। बड़ों को सलाम, छोटों को म्यूट मेरी तरफ से। लो जी, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले गाइस, तो यार वीडियो तो आप देखते हो, अच्छा खासा प्यार मिल रहा है भाई आप सबका, थैंक यू। बट यार एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो और प्लीज शेयर भी किया करो भाई, उससे ना थोड़ा मेरा पावर, विल पावर थोड़ा मजबूत होगा, उससे लगेगा कि हाँ भाई लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू। गाइस अभी आ चुका मैं खेत पे, दिन के बज चुके 11, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी। तो घर में मम्मा ने बोला गाय का चारा खत्म हो चुका है, घास खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हम हरा हरा घास डाल रहे हैं गाय को, तो घास हो चुका था खत्म। तो अभी मैं आ चुका हूँ खेत पे भाई, मम्मा और मैं। तो आपको पता है भाई घर का काम बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आप सबको पता ही होगा कि हम तो देसी है भाई, यही व्लॉग हमारे पास होते हैं। तो आने वाले समय में भाई एक जबरदस्त ट्रिप आने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ एक और कैंपिंग हो जाए इधर, क्योंकि ये देखो मुझे लगता है कि या यहाँ पे कैंपिंग करूंगा या एक और जगह है मेरे पास, या वहां पे कैंपिंग करेंगे भाई। तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे भाई। ये देखो भाई घास को क्या हो चुका है भाई, सब घास सोया हुआ है बारिश की वजह से। ये देखो भाई सब घास सोया हुआ है, ये देखो भाई सब घास सोया हुआ है, यहाँ पे भी देखो भाई, क्योंकि 3 दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है इसीलिए यार। अरे तू किधर जाएगा बाबे, किधर? तो भाई पहले घास जमा करते हैं और लो जाते हैं रेडी में घर। ये देखो भाई ये मेरा रेडा है, तो भाई इसमें ले जाएंगे घर। तो ये देखो मम्मा ने इतना सारा घास काटा है यहाँ से भी, तो इसको जमा करेंगे, डालेंगे रेडी में। लो जी गाइस घास वास मेरे भर दिया, तो भाई ये देखो भाई रेडे रेडे में मैंने घास डाल दिया, तो रेडे में मैंने घास डाल दिया देखो। तो मम्मा को मैंने बोल दिया कि आप चलो, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ से आपको पता चलेगा बारिश स्टार्ट हो गई कि नहीं। तो ये देखो काले काले बादल छा रहे, छा गए भाई, पिछले 3 दिनों से यार लगातार बारिश पड़ रही है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जल्दी से निकलते हैं भाई, क्योंकि वरना तो यार बारिश बहुत ज्यादा आएगी फिर। आपको सीधे घर में, क्योंकि अगर मैं इसी के साथ बैठ गया तो बारिश मेरे को गीला कर देगी रे गीला। देखो भाई कितने भाई, घर पहुंचते बारिश भी यार तगड़ी होने लगी है। भाई पीते यार पहले चाय, क्योंकि यार ये ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। हमारा जो वो रोड है ना बहुत ही खस्ता रोड है भाई, ना रेड़ा चलता है ना ऐसे लोकल पैदल वाला चल सकता है भाई, उतना खस्ता रोड है पूछो मत भाई। तो भाई पहले मुंह हाथ धोते फिर पीते चाय, फिर आपको मिलता है भाई। लो जी गाइस ये आ चुकी है हमारी चाय, लिप्टन चाय। और ये देखे भाई महारानी कैसी बैठी है, जा रहे चाय चखा, चाय चखा, चखना हो ठीक है, क्यों आना क्यों कर क्यों अले। तो भाई बच्चे ना बहुत ज्यादा तंग होते हैं जब बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो भाई बहुत ज्यादा तंग होते इसमें। शुभन शुभन बालक पात्र चप ये कहते वायद में, ये कहते वायद में, ये ना वायद में देखो बोरे चप्पल दे दो चप्पल
یہِ وٕچھ ماں یہ کھا وٕچھ ماں واتہِ وٕچھ ماں یہِ کَتہِ واتہِ مےٚ وٕچھو یہِ کَتہِ واتہِ مےٚ ژےٚ بھایا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی جب بھی برف پڑے یا بارش پڑے جانوروں کو دانہ ڈالنا چاہیے جیسے کہ چاول ہوتا ہے بھائی ان کو ڈالنا چاہیے تو یہ میری عادت ہے میں تو ڈالتا رہتا ہوں بٹ آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی آپ بھی ڈالا کرو بھائی پتا ہے کیوں میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو بھائی کیونکہ نہ ان کو برف میں ملتا ہے کھانا نہ بارش ملتا ہے کھانا تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی ڈالا کرو بھائی